नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की स्पेशल सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंसकारी। और हम ये ठाकुर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ठंड की बात होने वाली है। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, सब एकदम कंबलों में घुसे रहते हैं। बाहर निकलते हैं तो ऐसे ओढ़ ढाँक के निकलते हैं जैसे हम पहने हुए हैं। कभी कभी ना यार इतनी ठंड पड़ती है कि लगता है बस ये जल्दी से गुजर जाए। ये मौसम की अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी बहुत भयंकर वाली ठंड आती है, हर जगह बर्फ बिखरी पड़ी होती है, और ये वाली ठंड गुजरने में हजारों साल लगा देती है। बात हो रही है आइस एज की, हिंदी में कहते हैं हिमयुग। आज से 20,000 साल पहले पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों से ढका हुआ था। ऐसी वैसी नहीं, 3-4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरें, पूरी पृथ्वी एक ठंडा गोला बन गई थी। फिर करीब 11,000 साल पहले ये बर्फ पिघली और ये ठंडा मंजर खत्म हुआ। लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। जियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि आइस एज धरती पर आती जाती रहती है, मतलब अगली वाली फिर आएगी। अब पहले सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि आइस एज धरती पर आती क्यों है? देखिए, एक सीधी सी बात है, पृथ्वी पर जो गर्मी है ना वो सूरज से आती है। अगर पृथ्वी के किसी हिस्से में ठंड पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ सूरज की कम रोशनी पहुँच रही है। आइस एज में पूरी पृथ्वी ही ठंडी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय सूरज से आने वाली रोशनी पूरी पृथ्वी पर ही कम थी। लेकिन ये रोशनी कम कैसे हुई? बहुत साल तक साइंटिस्ट इस कैसे के पीछे पड़े रहे। इसका जवाब उन्हें 1910 में मिला, और ये जवाब दिया सर्बिया के वैज्ञानिक मिलुटिन मिलांकोविच ने। मिलांकोविच ने बताया कि पृथ्वी की कुछ मूवमेंट्स हैं, कुछ हरकतें हैं जिनके कारण पृथ्वी और सूरज की दूरी बदलती है, उनके बीच का एंगल बदलता है और पृथ्वी का क्लाइमेट बदलता है। आग तापने वाले बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि दूरी और एंगल बदलने से गर्मी में क्या फर्क पड़ता है। मिलांकोविच ने 3 टाइप की हरकतें बताई। इन हरकतों को आज हम मिलांकोविच साइकिल्स के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये हरकतें जिनसे सूरज से आने वाली गर्मी कम हो जाती है, बताते हैं। पहली चीज है पृथ्वी का अंडे जैसा रास्ता और उसका बदलना। हमें यह बताया जाता है कि पृथ्वी सूरज के आसपास एक गोल चक्कर में घूमती है, लेकिन पृथ्वी का ये रास्ता चूड़ी जैसा गोल ना होकर अंडे जैसे आकार का होता है, और इस अंडे का शेप हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये बदलता है, और ये बदलाव होने में करीब 1,00,000 साल लगते हैं। इस चक्कर के बदलने से पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बदलती है, और इसके साथ बदलती है सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी। दूसरी चीज है पृथ्वी की धुरी के झुकाव का बदलना। आपने लट्टू घूमते देखा है? लट्टू अपनी कील के बल पर घूमता है, वही कील है उस लट्टू की धुरी। ऐसे ही पृथ्वी की भी एक अपनी धुरी है जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। हमें यह पता है कि पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। धुरी के झुके होने से आधे हिस्से को ज्यादा धूप मिलती है और बाकी आधे को कम। इसी वजह से जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। कुल मिलाकर इस धुरी के झुकाव से सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी में फर्क पड़ता है। मिलांकोविच ने क्या बताया? मिलांकोविच ने बताया कि यह धुरी का झुकाव 23.5 डिग्री का कोण फिक्स नहीं है, ये हमारे दौर में 23.5 डिग्री है। करीब 40,000 साल में यह कोण 22.1 से 24.5 डिग्री के बीच में बदलता है, और इसके बदलने से सूरज से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी भी बदलती है। तीसरी चीज, पृथ्वी की धुरी का चक्कर खाना। वापस लट्टू पर लौटते हैं। शुरुआत में लट्टू तेज घूमता है, और तेज घूमते समय उसकी धुरी एकदम सीधी होती है, लेकिन जब लट्टू धीमा होने लगता है ना तो उसकी धुरी को चक्कर आने लगते हैं और धुरी खुद गोल गोल घूमने लगती है। इस हरकत को कहते हैं प्रिसीजन। पृथ्वी की धुरी के साथ भी प्रिसीजन होता है, लेकिन पृथ्वी का प्रिसीजन बहुत ही धीमा होता है, मतलब पृथ्वी की धुरी 26,000 साल में एक पूरा चक्कर लगाती है ऐसे, और इस धुरी के साथ चक्कर मारने से पृथ्वी तक आने वाली गर्मी भी बदलती है। तो ये है वो 3 हरकतें जो मिलांकोविच ने हमें बताई। इन हरकतों के मेल जोल से एक ऐसा टाइम आता है जब पृथ्वी पर आने वाली गर्मी बहुत ही कम हो जाती है, और धीरे धीरे पृथ्वी पर बर्फ जमने लगती है। फिर पता क्या होता है? ये बर्फ जन्म देती है ढेर सारी बर्फ को। बर्फ कैसे ढेर सारी बर्फ को जन्म देती है? देखिए, जब सूरज से रोशनी जमीन या पानी पर गिरती है ना तो वो अंदर सोख ली जाती है, और वो गर्मी पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो वो आईने जैसा काम करती है। बर्फ सूरज की रोशनी को सोखने के बजाय उससे टकराकर वापस भेज देती है। इससे सूरज से आने वाली गर्मी और कम हो जाती है, पृथ्वी का तापमान और गिर जाता है, और इस तरह बर्फ से और ज्यादा बर्फ जमती है और पृथ्वी एक ठंडे चक्र में फंस जाती है। एक चीज हम भूल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा समझिए कि ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी का कंबल है। ये गैसेस गर्मी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोकती हैं और पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं। इसी चीज को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमने स्कूल में पढ़ा है। जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाती है ना, तब समझिए कि पृथ्वी का ये कंबल जो है वो पतला हो जाता है, और तब ठंडी ज्यादा हो जाती है, और तब आइस एज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनली ये सारी चीजें हैं जिनसे पृथ्वी पर आइस एज आ जाती है। लेकिन आइस एज का सबूत क्या है? कई सबूत हैं। पहली चीज है जमीन के निशान।
बर्फ की बड़ी बड़ी परतें अपने वजन के कारण इधर उधर भागती थीं। इनका वजन इतना होता था कि ये चट्टानों को भी खिसका देती थी। कैनेडा की जमीन पर बहुत सारी बर्फ थी और इस बर्फ ने कैनेडा समेत कई जगहों पर जमीन पर निशान छोड़े। दूसरी चीज है बर्फ में दबे बुलबुले। जब बर्फ की परतें जमती हैं तो वो अपने साथ उस समय की हवा के बुलबुले दबा लेती हैं। इन परतों की पढ़ाई करके उस समय के क्लाइमेट का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई जगहों पर ऐसे पुराने ग्लेशियर्स हैं जिनकी पढ़ाई करके ये बातें पता चलती हैं कि आइस एज थी। तीसरा सबूत है जानवरों के अवशेष। अलग अलग माहौल में है ना, अलग अलग जानवर जिंदा रह पाते हैं। जानवर तो मर जाते हैं लेकिन उनके फॉसिल्स यानी कि उनके अवशेष रह जाते हैं। किस दौर में किस टाइप के जानवर जिंदा थे इस बात से उस वहां के मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो भैया ये थे सबूत। अब बड़े सवाल पर आते हैं। बड़ा सवाल ये कि अगली आइस एज कब आएगी। मैंने बताया था कि आइस एज साइकिल्स में आती जाती है, मतलब बर्फ जमने का एक हजारों साल का लंबा दौर चलता है, फिर हजारों साल में बर्फ पिघलती है और ऐसा बार बार होता है। लेकिन क्या ऐसा दोबारा होगा? पिछली आइस एज करीब 11,000 साल पहले खत्म हुई। लगभग इसी समय इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया। खेती से इंसान फैला और धरती पर कब्जा करने लगा और इंसान के साथ साथ बढ़ी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर करीब 200 साल पहले औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और औद्योगिक क्रांति से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी चालू हुई है वो रुकी नहीं रही। पृथ्वी पहले से और गर्म होती जा रही है, बर्फ जमने की बजाय पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। एक टीवी सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें सब कहते फिरते हैं विंटर इज कमिंग, मतलब ठंडी आने वाली है। जीओटी में एक लंबी ठंड का जिक्र है जो सदियों तक ठहरेगी। अपनी असल दुनिया में जो विंटर आने वाली थी वो शायद अब नहीं आएगी, लेकिन हम अगले संडे को जरूर आएंगे। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है उसे आप जाकर जरूर डाउनलोड कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।